लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप तस्वीर लेना चाहते ना, चलिए ले लीजिए। वैसे आपकी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है क्या? देखिए, अगर मेरी कोई तस्वीर छप गई ना एड में, तो मामा मेरी और आपकी दोनों की जान ले लेंगी। वैसे आप मेरी तस्वीर क्यों लेना चाहते हैं? उस दिन भी मामा आपको होटल में देख के भड़क गई थी। मैंने पूछा तो कहा कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है, दूसरों के पास अच्छी चीज देख ही नहीं सकते, पहले मांगते हैं फिर छीन लेते हैं। मामा ने ऐसा क्यों कहा? क्या मैं पूछ सकता हूं आप है कौन? तुम्हारा दादा, तुम्हारे पाप का पाप। कुछ बताना है तुम्हें, बैठो गाड़ी में। इतनी हैरानी से क्या देख रहे हो? ये सब कुछ तुम्हारा है? हाँ बेटे, इसे शिकायत मत समझना, ये मेरी फीलिंग है कि तुम्हारी माँ एक बेहद खुदगर्ज और सेल्फिश औरत है। अब देखो ना, उसने तुमसे अब तक इस घर का पता छुपा के रखा जिसके दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। देखो विकी, तुम अभी छोटे हो, नहीं जानते कि ये छोटी छोटी रगें जो दिल को खून पहुंचाती हैं, अगर कट जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह पाता। हम नहीं जानते कि हम इतने साल कैसे जिंदा रह पाए। सच बात तो यह है कि जब तुमने आंख खोली तो सिर्फ अपनी माँ को देखा, उसके बाद तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूसरी तरफ देखने ही नहीं दिया, इसीलिए शायद तुम नहीं जानते कि और रिश्ते क्या होते। अब देखो ना, एक तस्वीर मांगी थी तुम्हारी, वो भी देने से इनकार कर दिया। देखो बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के खिलाफ भड़काना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जब उससे मिलो तो ये पूछना कि तुम्हारा बाप जिंदा है, फिर उसने तुमसे ये क्यों छुपाया? हेलो किरण। यस, मैं विकी की मामा बोल रही हूँ। बोलिए आंटी। विकी तुम्हारे साथ है? नहीं तो? नहीं है तो फिर कहाँ चला गया? आज तक कभी इतनी देर नहीं की उसने घर आने में। शायद लाइब्रेरी में हो। ओके। Hey, what's wrong? किसी से झगड़ा करके आया है क्या? ये जो तुम्हारी होंडा है ना, मुसीबत बन गई है मेरे लिए। रोज देर से आने लगे हो, 2 घंटे हुए कॉलेज छूटे हुए। कहाँ चले गए थे साहेबजादे? दादाजी के पास। दादा मिला? फिर तो उसने जरूर कहा होगा तेरी माँ सेल्फिश है, खुदगर्ज है, तुझे सिर्फ अपनी जायदाद समझती है। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये दिन जरूर आएगा। सामान बांध दू तेरा, जाएगा दादा के पास। लेकिन आपने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि मेरे पापा जिंदा है? अपने दादा की तरह ऊंची आवाज में मत बोल। ये भी मत भूल कि तू किस से बात कर रहा है। मैं तेरी माँ हूँ। और वो मेरा बाप है। एक बाप को उसके बेटे से, एक बेटे को उसके बाप से क्यों अलग रखा आपने? हक है तुझे पूछने का। तू सुनना चाहता है ना? सुन, बात कोई नई नहीं, आम सी बात है। जब कभी गरीबी ने अमीरी पर भरोसा किया है, इसी तरह की कहानियों ने जन्म लिया है। मुझसे भी इसी तरह की एक छोटी सी भूल हो गई थी। मत देख मेरी तरफ इस तरह। गलती ऐसी नहीं जो तू अपनी ही नजर में गिर जाए, या दुनिया वालों के आगे तुझे शर्मिंदा होना पड़े। जो आदमी तुझे आज मिला वो बहुत बड़ी चीज है। राजनीति उसके घर की लौंडी है, तेरा पाप उसका एक लौटा बेटा है। बात उन दिनों की है जब
तब मैं यूनिवर्सिटी में थी, मैं और कुछ लड़के आउटिंग के लिए गए हुए थे कि अचानक हमेशा हमेशा के लिए थामना चाहता हूं शकुंतला। माय डियर यंग मैन, मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी बेटी के साथ शादी करना चाहते हो। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक बड़े घर में ब्याहे, मगर मैं इतना बड़ा घर भी नहीं चाहता कि जिसमें मेरी बेटी की खुशियां गुम होकर रह जाए। डोंट माइंड मी सन, तुम में और हम में जमीन आसमान का फर्क है। मैं सिर्फ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूं और तुम जितना अमीर नहीं, मगर पूछो इससे कि दुनिया की कौन सी खुशी है, कौन सा सुख है जो मैंने इसे नहीं दिया। इस दिन मां की बेटी को मां के सिवाय किसी और चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत नाजों से पाला है मैंने अपनी लाडली बेटी को, इसीलिए डर लगता है कि कहीं आप समझते हैं कि आपकी बेटी मुझसे शादी करके सुखी नहीं रह पाएगी। नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था, लेकिन अक्सर देखा गया है कि छोटे घरों की बेटियां बड़े घरानों की बहुएं बनकर अपने महलों जैसे घरों में घुट घुट की जिंदगी गुजारती हैं। और तुमने सुना होगा कि बड़े पेड़ों के साए में छोटे पौधे कभी भी फल फूल नहीं पाते। तुम हैसियत में हमसे कहीं ऊंचे हो, और मैं नहीं चाहता कि हैसियत का यह फर्क मेरी प्यारी बेटी के लिए दुखों का कारण बन जाए। अपनी बेटी से बेहद प्यार करने वाले बाप के दिल की धड़कन को मैं समझता हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपनी अमीरी, अपनी हैसियत को शकुंतला और अपने दरमियान दीवार नहीं बनने दूंगा। आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी हवाले कर रहा हूं, शादी के बाद माथे पर शिकन डालकर भी इसकी तरफ मत देखना, वरना इसका बाप मर जाएगा। ये लो आशीर्वाद। ये टेबल इस देश के राजनीतिक जीवन का एक हिस्सा है। यहां मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हैं, और जब खाना खाकर उठे तो इस देश की राजनीति का नक्शा ही बदल गया। आज यहां बैठ के तुम जरूर अपने कद को ऊंचा महसूस कर रही होगी। राजनीति हमारे खानदान को विरासत में मिली है। हम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते राजनीति के सिवा और कुछ नहीं सोचते। दरअसल राजनीति तलवार की तेज धार पर चलने के बराबर है। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ को राजनीति के रास्ते पर चलते हुए सबसे पहले अपने जज्बात का गला घोटना चाहिए। जनता अपने लीडर को देवता समझती है, वो अगर उसके दामन पर जरा सा भी धब्बा देख ले तो उसे अपने वोट से दी हुई कुर्सी से खींचकर नीचे फेंक देती है।
सर, कुछ पार्टी वर्कर साहब से मिलना चाहते हैं। दुष्यंत प्लीज चलो यहाँ से, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे डैड की बातें किसी बहुत बड़े तूफान के आने का इशारा है। प्लीज। नमस्ते सर, हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं सर। अपोजिशन की हमने कुछ कमजोरियां पकड़ ली हैं। जी हाँ, अब इलेक्शन में हम जरूर कामयाब होंगे। खबर यही है सर, हमारे अलावा कोई जीत नहीं सकता। गुड, वेरी गुड। इन सारी कमजोरियों को इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बना लो, प्रेस में दो, पार्टी मीटिंग्स में सुनाओ, अपने भाषणों और तकरीरों में उछालो, और अब देखना मैं सियासत की शतरंज का पासा ही पलट दूंगा। दुष्यंत प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। ओहो, आखिर बात क्या है, बोलो ना। ये घर बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटी। घबराओ नहीं शकुंतला, आओ मेरे साथ। पार्टी वर्कर्स थे, अपोजिशन पार्टी की कुछ कमजोरियां कुछ राज हाथ आए हैं, डिस्कस करने आए थे। अब उन्हें उछाला जाएगा, बदनाम किया जाएगा। यू आर लकी डैड, हर बार आपको अपने दुश्मन की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी हाथ लग जाती है जिसे उछाल कर आप उसे मैदान छोड़ने में मजबूर कर देते हैं। मुझे यकीन है डैड, इस बार आप फिर मैदान मार लेंगे। इस बार शायद हम इलेक्शन हार जाएं। क्यों डैड, वजह? तुम्हारी शादी। मेरी शादी? हाँ, जिस समाज में तुम सांस ले रहे हो वहां तुम्हारी तरह चोरी से की गई शादियों को कैरेक्टर की कमजोरी समझा जाता है, उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता बल्कि उछाला जाता है, अखबारों में स्कैंडल बनाया जाता है। राजनीति में शौक रखने वालों को यह जानना चाहिए कि हर राजनीतिक की जिंदगी में एक कोरा कागज भी होता है जिसे बेदाग रखना पड़ता है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम राजनीति का बोझ तुम्हारे कंधों पर डाल देते, लेकिन ये शादी करके तुमने हमें निराश कर दिया। दुष्यंत, हमने तुम्हें यहां ये याद दिलाने के लिए बुलाया है कि हमारे खानदान ने बरसों हुकूमत की है, हर मिनिस्ट्री की एक कुर्सी पर हमेशा हमारे खानदान का कब्जा रहा है। इसे कहते हैं नाम, शोहरत, रुतबा, इज्जत, और बरसों से कमाई इस इज्जत को तुम्हारी शादी की खातिर मिट्टी में नहीं मिलाया जा सकता। ये शादी एक राज रहे, वरना खानदान की बर्बादी के जिम्मेदार तुम होगे। तुम दुष्यंत, मैं कहती हूँ शादी का ऐलान करो। कर दूंगा जान। कब करोगे? कब तक यही सुनती रहूंगी? मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें शादी का ऐलान करना ही होगा। इलेक्शन तो हो जाने दो ना, डैड की कुछ मजबूरियां हैं। मुझसे शादी तुमने की है, तुम्हारे डैड ने नहीं। अगर दुनिया वालों के सामने मुझे पत्नी कहने की हिम्मत नहीं थी तो फिर मुझसे शादी क्यों की? इसलिए की कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। प्यार को बदनाम मत करो, तुम जैसे रईसजादों को प्यार की नहीं सिर्फ एक औरत की जरूरत होती है। मगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, शादी का ऐलान करना ही होगा। मैं कब इनकार कर रहा हूँ जान, बताया ना डैड की मजबूरी है। अगर इस बीच में मां बन गई तो पूछने वालों को क्या बताऊंगी ये किसकी मजबूरी है? पहले मुझसे बात करो। बात ही तो कर रहा हूँ जान। बात नहीं कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। ओफो। पहले इस झगड़े का फैसला करो, बोलो हाँ या ना। बात तो करने दो ना। हेलो, यस डैड। ओके डैड, ओके डैड।
डैड ने क्या कहा? डैड ने फैसला कर लिया है। अब इलेक्शन मैं लड़ूंगा। और मैं? तुम्हें मेरा इंतजार करना होगा। कहाँ जा रहे हो दुष्यंत? डैड ने बुलाया है शकुंतला। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो शकुंतला, जिद मत करो, मुझे इलेक्शन लड़ लेने दो, सिर्फ एक ही महीने की बात है। इसका मतलब है एक महीने के लिए मुझे तुम्हारी रखेल बनकर रहना होगा। एक औरत की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? उसके साथ फेरे लिए जाए, मांग में सिंदूर भरा जाए, गले में मंगलसूत्र पहनाया जाए, मगर उसे पत्नी के बजाय एक रखेल बनाकर घर के एक कोने में डाल दिया जाए। याद रखो, आज तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए तो हमारे रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हालात से समझौता करना सीखो शकुंतला। जिद्दी लोग इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते। शकुंतला, अरे मेरी प्यारी बच्ची, अरे भाई न कोई खत न कोई खबर, यूं ही अचानक। कैसी हो बेटी, ठीक तो हो ना? बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत याद आ रही थी। अब आई हो तो दो तीन हफ्ते ठहरोगी ना? ये तू चुप क्यों है? सब कुछ ठीक ठाक है ना? शकुंतला कुछ तो बोल, कुछ तो कह बेटी, वरना तेरी ये खामोशी मेरी जान ले लेगी। पापा, आपने ठीक ही कहा था, बड़े पेड़ों के साए में छोटे पौधे कभी फल फूल नहीं पाते। पापा, हैसियत में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है पापा। ऐसा मत कह बेटी, ऐसा मत कह। आखिर बता तो सही, हुआ क्या? उसे सिर्फ करियर चाहिए, बीवी नहीं, वो पॉलिटिशियन बनना चाहता है। वाह, तो पॉलिटिशियंस की बीवियां नहीं होती? बेटी मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मगर तेरी आंख के आंसू नहीं देख सकता। पति पत्नी के बीच जब जिद की आंधियां उठती है ना, तो सिर्फ घर ही नहीं उजड़ता, जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। अभी जाता हूँ उसके पास और उसका गिरीबान पकड़कर याद दिलाता हूँ उसका वादा। बात और बिगड़ जाएगी। बात तो बिगड़ चुकी, उसकी मजाक कैसे हुई कि वो मेरी बेटी को घर से निकाल दे, वो घर से निकाल दे और मैं खामोश काबू। देखी, तेरा क्या होगा? कैसे कैसे कटेगी तेरी जिंदगी? मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए विक्की, मैं अकेली हो गई, बिल्कुल बेसहारा। फिर क्या हुआ मामा? दिन बीते, मौसम बदले, मैं इंतजार करती रही, मगर वो नहीं आया। पाले में तू आ गया। 5 साल बाद एक बार फिर तेरी खातिर मैं उस दरवाजे पर गई जो दरवाजा मेरे लिए बंद हो चुका था। मुझे देखते ही तेरा दादा बोला, तुम? हाँ मैं, और ये आपका पोता। पति को तो शायद मेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए मेरी खबर लेने नहीं आया, मगर अब लोग इसके बाप का नाम पूछ रहे हैं। क्या जवाब दूं उनके सवाल का? या मुझे इस घर से जवाब मिले, या फिर इसके बाप का नाम। कहाँ है वो? वो इस मुल्क में नहीं है, और अगर होता भी तो मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं देता, क्योंकि तुम उसकी नजरों में मर चुकी हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ
अब देखो ना शकुंतला, तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है और बिना साथी के ये लंबा सफर काटना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर से औरत के लिए। इसलिए मेरी एक बात मानो, तुम्हें सहारा मिल जाएगा और बच्चे को बाप का नाम दूसरी शादी कर लो। 20वीं सदी तक आते आते दुनिया का बहुत कुछ बदला, ना बदली तो मर्द की सोच। वो आज भी औरत को अपने पैरों की जूती समझता है, वो आज भी उसका सब कुछ छीन कर मशवरों के सिवा से कुछ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें ये मशवरा इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरी शादी करके तुम अपना कीमती मशवरा अपने पास रखिए। आपका बेटा शादी करके एक बच्चा दे गया, दूसरा एक और दे जाएगा, इसी का नाम शादी है। आज आप ताकत के नशे में जज्बात और रिश्तों का गला घोट रहे हैं, अपने पोते को ठुकरा रहे हैं, एक माँ का दिल तोड़ रहे हैं। जिस दिन ये नशा टूटेगा बहुत पछताओगे। और अपने बेटे से भी कह दो, अगर वो मेरी जिंदगी से चला गया है तो मैं भी उसकी याद में इंतजार के दिन नहीं चलाऊंगी। जीने का सहारा मेरे पास भी एक है, मेरा बेटा जिंदगी के दुखों में साथ मिलकर रोने वाला इसी को समझूंगी। जो उस वक्त तुम्हें छोड़कर चला गया, अब कहां है मामा? इसी शहर में है। मुझ पर उसका कोई एहसान तो नहीं है मामा? आज तक एक कतरा दूध का जो तुमने पिया, एक दाना अनाज का खाया, एक एक तार सूत का जो तुमने पहना, इसमें तेरे बाप दादा की कमाई का एक पैसा भी खर्च होने नहीं दिया मैंने। तेरी हर जरूरत को तेरे इस दुखिया माँ ने पूरा किया है बेटे। मुझे उसका पता चाहिए मामा। तू बहुत छोटा है रे, और वो बहुत बड़ा। तेरे हाथ उस तक नहीं पहुंच सकते। वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर है।